नमस्ते डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विपुल कुमार परेवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एस पी एन के एस गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। टूडे इज माई लेक्चर ऑन मैराइन इकोलॉजी। इकोलॉजी जूलॉजी बी एस सी थर्ड ईयर का पेपर है, जिसके अंतर्गत इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको कल मैराइन इकोलॉजी से रिलेटेड करेक्टर्स वगैरह आपको बताए थे कि भाई जो वहाँ की इकोलॉजी के मैन मैन करेक्टर हैं वो किस तरीके के होते हैं। उसमें जैसे लवणता निकल के आई, तापमान, प्रकाश, उसका दबाव, ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, इन सारी चीज़ों पे मैं कल आपसे बात कर चुका हूँ। आज के मेरे वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि महासागर है, यदि उसका क्षेत्रीयकरण किया जाए या उसको क्षेत्रों में बांटा जाए, जोन के अंदर डिवाइड किया जाए, तो वो जोन कौन कौन से बनेंगे। देखिए, जैसे ओशियन है, इसका अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो मोटे रूप से दो चीज निकल के आती है। पैलेजिक जोन और बेंटिक जोन। पैलेजिक जोन जो होता है ये ऊपर की सतह से रिलेटेड होता है। जो आपका समुद्र है, सी कोस्ट है, समुद्र के अंदर जैसे मान लीजिए किस तरीके से समुद्र है, ये चल रहा है। अब इसके अंदर कई पोर्शन बनेंगे, तो ऊपर का इलाका जो है वो पैलेजिक जोन में रखा गया। बेंटिक जोन होता है वो जो तल है इसका, उसके अंतर्गत बेंटिक जोन को रखा जाता है। पैलेजिक जोन को पुनः उसके धरातल या उसकी सतह के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं, नेरेटिक जोन और ओशियन जोन। ओशियन जोन को पुनः दो भागों में बांटा गया है, यूफोर्टिक जोन और एफोर्टिक जोन। इधर बेंटिक जोन की हम बात करें तो बेंटिक जोन की बात करने से पहले देख लीजिए साथ साथ ही, ये हो गया लिक्टोरल जोन, जिसके अंदर फिर इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है, यूलिट्रोल, यूलिक्टोरल एंड सबलिक्टोरल। और इधर आ जाइए डी ओशियन। देखिए, कहने का मतलब है जो क्लासिफिकेशन है इसका, ये क्लासिफिकेशन जिस आधार पे किया गया है वो इसमें इस तरण के आधार पर क्षैतिज या उदग्र दोनों हिसाब से, क्षैतिज जो है उसके हिसाब से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनको बांटा गया। तो मैंने आपको कहा कि जो पैलेजिक जोन होता है, ये पैलेजिक जोन जो ऊपर का सतह है उस सतह से चालू होकर डीप सी तक जाता है, जैसे ओशियन जोन में। इधर हो गया नेरेटिक जोन और इधर आइए बेंटिक जोन, ये नीचे तल का रहता है, जो समुद्र का तल होता है नीचे का धरातल, उस धरातल से रिलेटेड होता है, जिसमें लिटोरल जोन होता है। लिटोरल जोन पुनः दो भागों में बांटा गया, यूलिटोरल और सब लिटोरल, और एक पार्ट है इसका डी पोर्शन। तो अभी हम इसका आगे का भी समुद्र आता है सिवाय को छोड़कर, तलीय क्षेत्र को छोड़कर जितना भी समुद्र है वो सारा इसके अंदर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए इस तरीके से समुद्र जा रहा है, ये आगे अब इसमें जो किनारे के पास वाला है ये जोन नेरेटिक जोन कहलाता है, नेरेटिक जोन। इसके 200 मीटर की डीप तक, कितना 200 मीटर, 200 मीटर की डीप पर कॉन्टिनेंटल शिफ्ट
कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाया जाता है महाद्वीपीय स्थान। इस महाद्वीपीय स्थान में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को हमको मिलती है। बायोडायवर्सिटी का मतलब ज्यादा आकर्षक जो भी जीव हैं वो मोस्टली इस जोन में पाए जाएंगे, इसलिए इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी कहते हैं। क्योंकि यह जीवों की विविधता है तो इसमें प्रोड्यूसर भी रहते हैं। प्रोड्यूसर रहने के कारण इस जोन को प्रोड्यूसर जोन भी कहते हैं। उत्पादक क्षेत्र, इसके अंदर प्लैंकटॉन्स वनस्पति वगैरह रहती है जो कि भोजन का प्रोड्यूस करती है, इसलिए इस जोन को प्रोड्यूसर जोन भी कहते हैं। ये तट के समीप वाला क्षेत्र होता है और पूर्ण समुद्र न होकर समुद्र की एक समीपतम सीमा तक जिसकी डेप्थ 200 मीटर की हो, इस डेप्थ वाला जोन जो है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंतर्गत आता है। अब आइए इसके आगे, मैंने दूसरा आपको जोन बताया था ओशियन जोन। ओशियन जोन होता है ये संपूर्ण समुद्र कहा जाता है। ओशियन जोन जो होता है ये संपूर्ण आपके समुद्र कहा जाता है और इसकी डेप्थ लगभग 1000 मीटर तक जाती है, लगभग 1000 मीटर तक जाती है। इसको अब देखिए, मेन बात जो है ये समुद्र का बीच का हिस्सा आ गया, जो उपजाऊ हिस्सा है ये अपने किनारे का है। ओशियनिक जोन सॉरी नेरेटिव जो एरिया है वो अपने किनारे का हिस्सा है, जबकि महासागरीय क्षेत्र है ये एक खुली जलराशि की तरह रहता है। इसमें संपूर्ण क्षेत्र खुला होता है। प्रकाश की उपलब्धता और अनुपलब्धता के आधार पर इसको दो बांटों में बांटा गया है। एक तो यूफोटिक जोन और दूसरा है एफोटिक। यूफोटिक जोन और एफोटिक जोन, जनरली मैंने आपको कल बताया था कि लगभग 150 मीटर तक प्रकाश रहता है, 150 के बाद में फिर उसकी मात्रा कम होते 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 300 मीटर पर आने पर वो अंधकार के साथ चालू हो जाता है। महाद्वीपीय शेल्फ से 1000 मीटर तक की गहराई पर ये फैला हुआ है, मैंने आपको बता दिया। इसमें दो जोन बने हुए हैं, यूफोटिक और एफोटिक। यह लगभग समुद्र से 300 मीटर तक की गहराई तक फैला हुआ है। 300 मीटर की गहराई तक यूफोटिक जोन है। अब यूफोटिक दैट मीन्स वहां पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है। सूर्य का प्रकाश जो ऊपर से आता है वो 300 मीटर तक इसको माना गया है कि 300 मीटर तक वो प्रकाश पहुंचता रहेगा। अब आप अच्छे से जानते हैं कि प्रकाश का पारिस्थितिकी पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। मैं कहूँ आपको कि साहब प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, अब प्रकाश संश्लेषण जो ही आ जाता है तो वहाँ उत्पादन का कंसेप्ट आ गया। उत्पादन का कंसेप्ट आते ही वहाँ पर उत्पादक जो है और प्रोड्यूसर जोन जो है उसका कंसेप्ट चालू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अपने को यूफोटिक जोन में दिखाई देती है। सेकंड आइए एफोटिक जोन। एफोटिक जोन नीचे का ये क्षेत्र होता है, 300 से नीचे ना भी जा रहे हो समुद्र की डेप्थ है उसको आज तक कोई नहीं नापना है, तो अब उसमें जितने डेप्थ तक आप जा रहे हो तो वो सारा एफोटिक जोन आ जाएगा। फिर मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी अपने को तट पर नहीं जाना है, पहले जिस जोन के अंदर तट नहीं आएगा, सॉरी तलीय क्षेत्र नहीं आएगा, उसके अलावा ऊपर ऊपर का सारा आ जाएगा। एफोटिक जोन को फिर पुनः बना दिया गया है, बाथल एबाइसल और हेडल, ये तीन कैटेगरियों में इसको बांटा गया है। एफोटिक जोन को उन्हें तीन कैटेगरियों में बांटा गया है, बाथल जोन, एबाइसल जोन और हेडल जोन। बाथल जोन जो होता है ये ऊपर की तरफ रहता है, जिसे गंभीर क्षेत्र कहते हैं, यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आता है। जैसे मान लीजिए इसमें अपन कैटेगराइजेशन कर लें, ये आपके बाथल जोन हो गया, उसके बाद में एबाइसल जोन हो गया और ये नीचे जो है हेडल जोन हो गया। अब बाथल जोन के अंदर प्रकाश नहीं आता है, यह क्षेत्र गंभीर क्षेत्र कहलाता है। गंभीर का मतलब शांत वातावरण चारों तरफ और डीप सी का जो कंसेप्ट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट आइए अबेसल जोन। अबेसल जोन वो जोन होता है जहाँ सूर्य का प्रकाश बिल्कुल न के बराबर होता है, घोर अंधेरा, प्लस यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है, 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में
अबेसल जोन का तापमान रहता है। और मान लीजिए कि खाई के अंदर, सॉरी समुद्र के अंदर खाई का कंसेप्ट आ रहा है, तो दैट जोन इज बी हेडल जोन। खाई, गहरी खाई के क्षेत्र में यदि ये चीज आ रही है तो ये जोन आपका हेडल जोन चलाएगा। इस प्रकार से ये अपना पैलेजिक जोन कंप्लीट होता है। पैलेजिक जोन के बाद में आइए बेंथिक जोन। इसे हिंदी में निकलस्थ क्षेत्र भी कहते हैं। ये तल का क्षेत्र है, इसमें अपने को तल का अध्ययन करना रहता है, तलीय क्षेत्र है। अब ये दो भागों में बांटा गया है, तो लिटोरल और दूसरा है डीप सी, गहरा समुद्र। लिटोरल और डीप सी, लिटोरल जो क्षेत्र होता है, मान लीजिए कोई कम गहराई वाला समुद्र है, तो उसमें अब जैसे इसकी संरचना इस तरह, समुद्रों की बनावट भी होती है वो इस तरीके से होती है कि एक तो जाते ही जैसे इस तरीके से जाकर ऐसे हो रहा है, एक सीधा ही इस तरीके से जा रहा है और एक लंबे समय तक चलता हुआ फिर भी पा रही है। तो समुद्र की जो बनावट होती है, भू आकृति बनावट, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो लिटोरल जो जोन है, ये लिटोरल जोन तटीय क्षेत्र के पास में जो तल का भाग होता है उसको लिटोरल जोन कहते हैं, इस टाइप में। तो अब यहाँ की जो वनस्पति वगैरह है वो आपको कुछ अलग टाइप की दिखाई देगी। लिटोरल जोन ये सुप्रकाशित होता है, इसमें प्रकाश की किरणें तल तक पहुंचती है आराम से। इसकी जो डीपनेस है वो लगभग 200 मीटर के संबंधित होती है। अब इसमें यू लिटोरल समुद्र के तटीय क्षेत्र वाला जो तट के पास में होता है, और सब लिटोरल जो लो टाइड के स्थान से 200 मीटर की गहराई पर होता है। मैं आपको बता रहा था लिटोरल जोन, लिटोरल जोन समुद्र के तट के पास का इलाका, जैसे ये सी है। अब इस सी में जो समुद्र के पास का जो है, तट के पास का, ये रीजन आपका लिटोरल जोन कहलाएगा। अब इसमें भी दो कैटेगरी बना रखी है, यू लिटोरल और सब लिटोरल। यू लिटोरल जो होता है वो तट के नजदीक होता है तथा इसमें सूर्य का प्रकाश आराम से आता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन इसी के दूसरे जो है सब लिटोरल, सब लिटोरल एरिया के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता और ये टाइड के पास का इलाका है। जब ज्वार भाटा, मैंने कल आपको बताया काफी अपनी बात हुई थी उसमें, कि ज्वार भाटा के क्षेत्र जो होते हैं वो उसके अंदर ये आता है। अब इसी में एक कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पुटअप भी होता है, कि कोरल रीफ के बारे में बताइए। कोरल रीफ, देखिए कोरल जो है वो सिलेंट्रेट संघ की सदस्य है, सिलेंट्रेटा संघ का सदस्य है कोरल। कोरल जो होती है इनके ऊपरी सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का स्तर पाया जाता है, यह सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ये क्या करती है, कोरल जहाँ पर समुद्र होते हैं, मान लीजिए सी है, तो यहाँ पर ये कोरल एक साथ मिलकर आपस में जुड़कर एक चट्टान नुमा संरचना बनाती है। कोरल की चट्टान जैसी संरचना बनाती है, जो इनका जो अंतर, सॉरी बाह्य कंकाल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कठोर होता है, तो कठोर होने के कारण ये चट्टान जैसी संरचना बनाती है। अब पर्टिकुलर इस जगह पर एक स्पेशल पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। इनके अंदर शैवाल रहते हैं, शैवाल से भोजन बनता है। अब उस भोजन से जो शाकाहारी है वो वहां पर आते हैं इन चट्टानों पर और अपना भोजन प्राप्त करता है। तो पर्टिकुलर वहां पर फिश भी मिलेंगी, ऑक्टोपस भी रहेगा, उनमें छिपने का भी काम करते हैं, एज ए रॉक चट्टान की भांति ये कार्य करने लग जाती है। तो ये चीजें जो है कोरल रीफ, ये लिटोरल जोन से संबंधित रहती है। नेक्स्ट है आपका डीप सी, ये समुद्र की गहराई का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसमें जो नीचे की है तल के पास का जितना भी जोन है वो सब डीप सी जोन के अंतर्गत आता है। डीप सी समुद्र का सबसे गहरा भाग, जिसमें
अब याकी भी अपनी एक अलग इकोलॉजी होती है, गहन शांत गंभीर पूर्ण अंधकार में। यहाँ पर भोजन नहीं है, उत्पादन नहीं है क्योंकि प्रकाश नहीं पहुंच रहा है डीप सी, तो ये भोजन की वर्षा के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं जो जीव होते हैं। जो यहाँ का जीव अपने को अलग तरीके का मिलेगा, मैं भी उसकी बारे में आपसे आगे बात करूंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज होती है। बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, गहन बहुत डीप हो गया, शांत, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बदलाव जनरली नहीं होता है, ना ही कोई धारा होती है, ना ही कोई लहर होती है, बिल्कुल शांत जोन, साइड का भी इस जगह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गंभीर है, डरावना है, यदि आप पहली बार तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि दबाव इतना है कि वहां कोई जीवित ही नहीं रह सकता। जो जीव वहां रह रहे हैं वो उनके अनुकूलन के हिसाब से ही वहां पर जीवित है। अंधकार में है, कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पर रात और दिन का कंसेप्ट नहीं है, हमेशा एक ही चीज रहती है, बिल्कुल अंधेरा चारों तरफ, भोजन की वर्षा। अब भोजन की वर्षा कैसे होगी, देखिए जैसे समुद्र है, अभी नीचे का है, यहाँ पर रहने वाले जीव जब इनमें आपस में संघर्ष होता है या कोई मरता है तो ये मर के नीचे गिरता है, या इनका कोई अंग टूट कर नीचे गिरता है, तो इस टूटे हुए भाग को ये नीचे वाले जीव खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, और इस प्रकार को बोलते हैं भोजन की वर्षा। ऊपर से जो वर्षा हो रही है वो नीचे जा रहा है, भाई कोई भी चीज है वो छूटेगी तो नीचे जाएगी, आपस में लड़ेंगे, एक मर गया तो नीचे जा रहा है, तो उसको ये खाकर नीचे डीप सी वाले जीव जीवित रहते हैं। अब डीप सी में रहने वाले जीवों में कुछ स्पेसिफिक अडेप्टेशन पाए जाते हैं, बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो ये पर्टिकुलर कोई कलर में होंगे या कलर लेस होंगे, कुछ भी हो सकता है, डीप सी के अंदर ये रंग में हो सकते हैं लाल रंग की अधिकता पाई जाती है, या फिर हो सकता है कि कलर लेस हो, ब्लैक कलर हो। सेकंड, इनकी आंख या हो सकता है अभाव, क्योंकि अंधकार में देखने के लिए हो सकता है कि आंख से ज्यादा विकसित हो गई हो, या फिर हो सकता है कि इतने दबाव में रहने के फलस्वरूप आंख का विकसित ही नहीं हुई हो। तीसरा है, इसमें बायोल्यूमेंस पाया जाता है, जैव संदिग्ध। बायोल्यूमेंस होता है कि जीव के शरीर में से प्रकाश का निकलना, कोई उनके शरीर में इस तरीके का ल्यूमिनेंट होता है, वो ल्यूमिनेंट उनको प्रकाशमान करता है, प्रकाशमान करने के फलस्वरूप ये दूसरे जीवों को अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं, शिकारी से बचने का काम भी करते हैं, छल कर्णोब्लास्ट जो है वो सारे काम करते हैं। तीसरा, विजन में भी काम आता है उनके देखने में, कि हाँ साहब ये देख रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनके शरीर में लेटरल लाइन सिस्टम पाई जाती है, पार्श्वीय रेखा तंत्र, पार्श्वीय रेखा तंत्र। इनका अंतःकंकाल होता है वो कोमल होता है, अंतःकंकाल कोमल होता है। ये बहुत सारे अडेप्टेशन है जो कि डीप सी वाटर के अंदर रहने वाले जीवों का। एक सबसे कॉमन है, फ्लैटेंड बॉडी पाई जाती है, कत्ता शरीर, दबाव को झेलने के लिए इनका शरीर जो है वो लंबा चपटा पाया जाता है। इस प्रकार कई अडेप्टेशन है जिनके फलस्वरूप वहां का बायोटा उस विषम परिस्थिति वाले जीवन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर होंगे। कल मैंने आपको एक वीडियो का लिंक शेयर किया था डीप सी का, मैं उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो आप इसको देख लेना, जो मैंने कल आपको लिंक भेज दिया ग्रुप के अंदर, उस लिंक का इससे बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है। जो जो आप गहराई में नीचे जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के वेरियस टाइप के एनिमल्स ओशन के अंदर पाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।